ये जो टिकट मिला है मेरे पूरे खरखोदा शहर के मेरे बड़े बुजुर्गों को, मेरे नौजवान साथियों को, मेरी मातृशक्ति को और हमारे जो हल्के में जो 57-58 गांव हैं उनको टिकट ये समर्पित है। और मैं तो यही कहता हूं कि भाई सभी साथियों से एकजुट होकर केवल एक ही लक्ष्य रखें कि कमल का फूल और बाकी विरोधियों को सब मिलकर चटाएंगे धूल। ये भाजपा का जो समर्पित कार्यकर्ता होगा वो पार्टी से बाहर नहीं है और इस तरीके की मंशा, इस तरीके के ओछे हथकंडे कुछ विरोधियों ने ये काम करने का काम किया था। आपके चैनल के माध्यम से उनको जरूर कहना चाहूँगा एक शेर के माध्यम से कि पानी से निकली तो एक लाश उभरी, पानी से निकली तो एक लाश उभरी, लाश उभरी तो कई नाम लिखे थे उस पर, बहुत हैरान हुए होंगे मुझको डुबोने वाले। तो विरोधियों की मंशा को कामयाब नहीं होने देंगे क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसके सामने कोई नहीं टिक पाता। और ये चुनाव 36 बिरादरी के लोगों का चुनाव है, पवन खरखोदा का चुनाव नहीं है। जो ये टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी है ये शीर्ष नेतृत्व की देन है और खरखोदा हल्के के लोगों ने जो 15 साल से मुझ पर भरोसा जताया है, मेरे साथ जो संघर्ष किया है, ये उस संघर्ष की आज पहली सीढ़ी है और दूसरी सीढ़ी चढ़ने का काम 8 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तब हम करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, अनुशासित कार्यकर्ता है। मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है। कोई किसी नेता से या व्यक्ति विशेष से जुड़ा होगा वो बेशक नाराज हो सकता है और उनको भी मनाएंगे और सबको साथ लेके कमल का फूल खरखोदा से खिलने का काम करेंगे। ये 15 साल से जो खरखोदा हल्के के साथ भेदभाव आता होता हुआ आया है, सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि 15 साल से उनसे जी हिसाब मांगे कि जी आप 15 साल से खरखोदा की कुर्सी पे सत्तासीन हो, खरखोदा में आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार 15 साल से रही है, कि 15 साल में आपने खरखोदा के लिए क्या किया। क्योंकि राजनीति में दो पद होते हैं, एक होता है संवैधानिक पद जो लोगों के द्वारा चुन के भेजा जाता है और उस पद पे अपने कांग्रेस के विधायक 3 बार से सत्तासीन है, और एक होता है राजनीतिक पद जो आपके भाई आपके बेटे को मिला था, क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं होती, कोई ग्रांट नहीं होती। लेकिन संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को पावर भी होती है और उसको ग्रांट भी मिलती है। तो हर गांव में जाएंगे, हर गांव के लोगों से जो विधायक जी ने जो कार्य नहीं किए हैं, जो ग्रांट जो सरकार के द्वारा जारी की थी उसको नहीं लागू किया है, नहीं लगाया है, तो लोगों से उनके बीच में जाकर न्याय मांगने का काम करेंगे। और मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास है कि खरखोदा हल्के के लोग अब की बार अपने भाई अपने बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ न्याय करने का काम करेंगे। आज से नामांकन भरे जाने हैं, आप अपना नामांकन कब भरेंगे? देखिए आज हम सारे साथी आए हैं, इनसे मिल बैठ के चर्चा करेंगे और 4 बजे में हमारा पार्टी कार्यालय में जाने का प्रोग्राम है टिकट लेने के लिए, और उसके बाद सारी रूपरेखा तैयार करेंगे। और कभी शाम से ही कई गांव के प्रोग्राम है और हमारे शहर की भी चर्चा, और एक भी शहर भी एक बार सारा इकट्ठा होगा आज, और उससे पहले हमारे कई गाँव के लोग इकट्ठा होकर मेरे को बुला रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और ये एक बदलाव का संकेत है, और कहते हैं ना कि लिया है संकल्प तो पूरा करके दिखाएंगे। ये खरखोदा की धरती है, 8 अक्टूबर को कमल का फूल भी खिलाकर दिखाएंगे।